बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में जल बोर्ड प्लांट के बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, ये बताया जा रहा है। करीब 40 फीट गहरे बोरवेल में ये मासूम गिरा है। करीब 7 घंटे से जिंदगी के लिए जंग जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है। फिलहाल बच्चे को बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। रेस्क्यू की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि बोरवेल करीब 40 से 50 फीट गहरा है और इस पाइप की चौड़ाई केवल 1.5 फीट है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मासूम बच्चा फंसा हुआ है। बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। करीब 40 फीट गहरे बोरवेल में यह बच्चा गिरा है। 7 घंटे से जिंदगी के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। जल बोर्ड के बोरवेल में बच्चा गिरा, सूचना मिलते ही यहां पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संवाददाता मरदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरदीप, क्या कुछ जानकारी, यह हादसा कैसे हुआ, बच्चा कैसे वहां पर गिरा और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें कितनी सफलता मिलती हुई अब तक नजर आ रही है? ये देखिए, अभी तक तो कोशिशें जारी हैं बच्चे को निकालने की, अभी तक तो कोई सफलता मिलने के आसार नहीं है क्योंकि 40 फीट का गड्ढा है और जो बोरवेल का गड्ढा है वो बहुत ज्यादा गहरा है। ऐसे में जो तमाम रेस्क्यू टीम है, दिल्ली पुलिस भी है, एनडीआरएफ भी है, फायर ब्रिगेड भी है, तीनों के जो अधिकारी हैं तीनों ने मिलकर के ये तय किया है कि जो 40 फुट का जो बोरवेल है इसके समानांतर एक और गड्ढा खोदा जाएगा। यानी उतनी रेंज के जो पाइप्स हैं उन्हें मंगाया जा रहा है, वो पाइप आएंगे, समानांतर जो गड्ढा है पास में ही उसकी खुदाई होगी मीटर से माप करके, ताकि दूसरी जो टनल है उसके ऊपर, दूसरी जो सुरंग है उसके ऊपर असर ना हो उस खुदाई का। तो ऐसे में अब समानांतर एक गड्ढा 40 फीट का खोदा जाएगा पाइप डाल करके, तब निकालने की बच्चे को जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। अभी तक तो जितनी भी कोशिशें हैं वो असफल साबित हुई हैं, लेकिन प्रयास चूंकि लगातार अभी तक जारी है। आला अधिकारी मौके पर है। बहुत शुक्रिया मरदीप, आपने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है उसके मुताबिक जितना गहरा गड्ढा है उसके समानांतर एक गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही है और उसी के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब तक जो कोशिशें की गई हैं, बताया जा रहा है कि उसमें खास सफलता हाथ नहीं लगी है। जड़बोल के प्लांट के बोरवेल में ये बच्चा गिरा हुआ है। मरदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आगे भी अपडेट लेंगे। मरदीप, इस बात की कोई जानकारी मिल पाई कि वहां तक बच्चा कैसे पहुंचा, किस तरह से वो गिर गया, उसमें क्या वहां पर स्थिति बनी? मरदीप, आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले हम न्यूज नेशन पर आपको दिखा रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं 40 से 50 फीट गहराई इस बोरवेल की बताई जा रही है जिसमें ये बच्चा गिरा है। रात करीब 2 बजे ये हादसा हुआ है जहाँ प्लांट के बोरवेल में ये बच्चा गिरा। घटना की जैसे ही जानकारी लगी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है, फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कुछ खास सफलता मिलती हुई नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से प्लान 2 जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस गड्ढे में बच्चा गिरा है बोरवेल में उसके समानांतर उतनी ही गहराई का एक और गड्ढा खोदने की तैयारी हो रही है, जिसके माध्यम से बच्चे का रेस्क्यू किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, कोशिशें लगातार जारी हैं बच्चे को बचाने की। गहराई जो है वो 40 से 50 फीट बताई जा रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में खासी मशक्कत और इस पाइप की जो चौड़ाई है वो केवल 1.5 फीट बताई जा रही है। तो जाहिर है कि 1.5 फीट के पाइप से 40 से 50 फीट गहराई तक रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक बड़ी चुनौती रहेगा। हालांकि पिछले 7 घंटे से मशक्कत लगातार जारी है और अब जो कोशिश की जा रही है वो प्लान बी के जरिए, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जो तरीका है वो दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश होगी। समानांतर उस बोरवेल के गड्ढा खोदा जाएगा और उसके बाद जैसी भी मशीनें भी वहां पर पहुंची हैं वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद कोशिश होगी बच्चे तक पहुंचने की और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मासूम बच्चा फंसा हुआ है।
बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। करीब 40 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा है। 7 घंटे से जिंदगी के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। जलबोर के बोरवेल में बच्चा गिरा, सूचना मिलते ही यहां पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संवाददाता मरदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरदीप, क्या कुछ जानकारी, यह हादसा कैसे हुआ, बच्चा कैसे वहां पर गिरा और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें कितनी सफलता मिलती हुई अब तक नजर आ रही है? ये देखिए, अभी तक तो कोशिशें जारी हैं बच्चे को निकालने की, अभी तक तो कोई सफलता मिलने के आसार नहीं है क्योंकि 40 फीट का गड्ढा है और जो बोरवेल का गड्ढा है वो बहुत ज्यादा गहरा है। ऐसे में जो तमाम रेस्क्यू टीम है, दिल्ली पुलिस भी है, एनडीआरएफ भी है, फायर ब्रिगेड भी है, तीनों के जो अधिकारी हैं तीनों ने मिलकर के ये तय किया है कि जो 40 फुट का जो बोरवेल है इसके समानांतर एक और गड्ढा खोदा जाएगा। यानी उतनी रेंज के जो पाइप्स हैं उन्हें मंगाया जा रहा है, वो पाइप आएंगे समानांतर जो गड्ढा है पास में ही उसकी खुदाई होगी मीटर से माप करके, ताकि दूसरी जो टनल है उसके ऊपर, दूसरी जो सुरंग है उसके ऊपर असर ना हो उस खुदाई का। तो ऐसे में अब समानांतर एक गड्ढा 40 फीट का खोदा जाएगा पाइप डाल करके, तब निकालने की बच्चे को जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी। अभी तक तो जितनी भी कोशिशें हैं वो असफल साबित हुई हैं, लेकिन प्रयास चूंकि लगातार अभी तक जारी है। आला अधिकारी मौके पर है। बहुत शुक्रिया मरदीप, आपने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है उसके मुताबिक जितना गहरा गड्ढा है उसके समानांतर एक गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही है और उसी के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब तक जो कोशिशें की गई हैं, बताया जा रहा है कि उसमें खास सफलता हाथ नहीं लगी है। जड़बोल के प्लांट के बोरवेल में ये बच्चा गिरा हुआ है। मरदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आगे भी अपडेट लेंगे। मरदीप, इस बात की कोई जानकारी मिल पाई कि वहां तक बच्चा कैसे पहुंचा, किस तरह से वो गिर गया, उसमें क्या वहां पर स्थिति बनी? मरदीप, आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले हम न्यूज नेशन पर आपको दिखा रहे हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं 40 से 50 फीट गहराई इस बोरवेल की बताई जा रही है जिसमें ये बच्चा गिरा है। रात करीब 2 बजे ये हादसा हुआ है जहाँ प्लांट के बोरवेल में ये बच्चा गिरा। घटना की जैसे ही जानकारी लगी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है, फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कुछ खास सफलता मिलती हुई नजर नहीं आई है, जिसकी वजह से प्लान 2 जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस गड्ढे में बच्चा गिरा है बोरवेल में उसके समानांतर उतनी ही गहराई का एक और गड्ढा खोदने की तैयारी हो रही है जिसके माध्यम से बच्चे का रेस्क्यू किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, कोशिश लगातार जारी है बच्चे को बचाने की। गहराई जो है वो 40 से 50 फीट बताई जा रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में खासी मशक्कत और इस पाइप की जो चौड़ाई है वो केवल 1.5 फीट बताई जा रही है। तो जाहिर है कि 1.5 फीट के पाइप से 40 से 50 फीट गहराई तक रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक बड़ी चुनौती रहेगा। हालांकि पिछले 7 घंटे से मशक्कत लगातार जारी है और अब जो कोशिश की जा रही है वो प्लान बी के जरिए, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जो तरीका है वो दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश होगी। समानांतर उस बोरवेल के गड्ढा खोदा जाएगा और उसके बाद जैसी भी मशीनें भी वहां पर पहुंची हैं वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद कोशिश होगी बच्चे तक पहुंचने की और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की।